राम राम जी, स्वागत है आपका हमारे जिनवाल फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड फ्रेंड जैसे कि आपको पता है, आज हमारे देवर का रोखा है। तो रोखा है तो हमें सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं। रानी जी रोटी बना रही हैं, मैंने सारा पानी भरा है, दिखाती हूँ आपको कितना पानी भरा है। अभी देखो कर ही रही हो अभी काम, और रानी जी की थोड़ी सी रोटी बनी है। रानी जी लगी हुई है, देखो कितना सारा आटा गूंद रखा है इन्होंने, बहुत सारा आटा गूंद रखा है। हाँ थोड़े रिश्तेदार अभी से आने लग जाएंगे ना, सुबह सुबह तो खाना चालू नहीं होगा, खाना तो रात को ही चालू होगा। हाँ शाम को मतलब, और सब गए हुए हैं, कोई कुछ चीज़ लेने गया है, कोई कुछ लेने गया है, तो सब बाजार हैं, और कोई कहीं गया है। मतलब ना मैंने ये सारा पानी भरा है, ये मयूर तक भरा है, बोतलें डब्बा, और देखे दिखाते हो पतीले सतीले सब भर रखे, क्योंकि पानी की बहुत कमी आ जाती है। तो मैंने सारे पतीले मांझ मांझ के सब भर रखे हैं, दोनों बड़े बड़े, और ऊपर लगा रखी है मैंने मशीन। और रानी और मैंने मशीन लगा के कपड़े भी धुल रहे हैं, अभी जाऊंगी छत पे झाड़ू लगाऊंगी। और रानी और मैं दोबारा चाय पी रहे हैं क्योंकि ठंड में लगे हुई हूँ पानी में, तो रानी कह रही चाय बना लेते हैं। मैं तो पान चाय पी हूँ। हाँ तो रानी कह रही चाय बना लेते हैं, थोड़ी थोड़ी पी लेंगे। मैं ठीक है चलो पी लेते हैं थोड़ी चाय, ठंड में यही तो एक जीने का सहारा। हाँ मज़ा आ गया, पानी भर गया मेरा सारा, ये बर्तन गंदे हो गए, दूध आया दोबारा। और ये बन रही है मम्मी की चाय, रानी जी की भी रोटी बन गई है ना। और ये मंजू दीदी हमने नहीं लगा रखे लहसुन छीलने में, जी जी आई है कुछ काम है, मैं काम तो बहुत है सबसे पहले लहसुन छीलने का। हाँ जिठानी हो तो ऐसी हो, हाँ जिठानी भी और बहन भी। हाँ और हम ज्यादातर जिठानी का रिश्ता बहुत कम रखते हैं, बहन ही बोलते जब भी, तो एक दूसरे के काम आते हैं हम। और बहुत अच्छी है सही में, जितनी तारीफ करे तो उतनी, हर किसी के सुख में शामिल नहीं होगी लेकिन दुख में खड़ी रहेगी। इतने दूर दूर के रिश्तेदार हैं इनके, वो भी इतना दुख में याद करते हैं, मैं क्या मंजू दीदी तुम्हारा क्या होगा। और कई बार हम भी कहते हैं दीदी हाँ चलो, मेरे हाँ चलो, कभी मना नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, इतनी तो तारीफ है इनकी। खैर सही में कभी कह दोगे ना मंजू दीदी आज वहां जाना, हाँ चलो। लेकिन अच्छे लोगों को भगवान की भी जरूरत हो। अरे मुझे निकल गई मेरी जबान। दीदी क्या कह दी ने? देख बोल दीदी, दीदी तो बोल दीदी। ए बदतमीज ऐसे बात मत बोल, देखियो। अरे मैं बोलना कह रही आज रो अभी तो। हाँ देख लो वो क्या बात बोल दी है। अरे भैया वो हंसी में खुशी कर, खुशी में गमी करना चाह रही है, तो क्या चाह रही है बता। देखिए फ्रेंड आज सब्जी बन रही है, सुबह 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 मैं सोच रही थी नहीं बनाऊंगी लेकिन बनानी पड़ गई, सब रिश्तेदार आ रहे हैं तो भूखे हैं। और ये देखिए रानी सलाद की तैयारी कर रही है, ये डस्टबिन कहोगे, ये डस्टबिन अभी हमारा नया है खाने के लिए रखना था हमने। हाँ एक डस्टबिन ये रखा है हमारे कूड़े का। और फ्रेंड फ्रेंड लगी हुई है ननद भावत, मैं भी लगी हुई हूँ, ऐसी बात नहीं। ये आ गए दूल्हा राजा देवर मेरा बन के आ गया, ऐसे बोलते हैं नहीं, राजा भैया राजा नहीं, राजा देवर मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया। चाय दो जरा एक कप। देखिए फ्रेंड लगे हुए हैं, चाय भी बनेगी, रिश्तेदार आने वाले हैं, थोड़ी सी सवाल करो भैया, सवाल करो सवाल। टीवी बंद करो, अंदर कमरे में चल रही है, और कंबल उठा देना मेरा, जल्दी जाओ। अरे जल्दी जाओ आपको, टीवी चल रही भैया, कमरे में जाओ, कैसे ना बैठे, साइड से निकल जाएगी। रानी हटा ली सब्जी, अब मैं क्या करूं जब तुम बीच में। टीवी बंद कर दो, या इसको भूख लग रही है, बस बनने वाली है सब्जी, बनने वाली है बस बेटा मेरा, बस आपको कुछ खिला दो ऐसे, आपको कुछ खिलाया वैसे, मुझे बहुत खिला लो, कुरकुरा वरकुरा बहुत है, बहुत है, बहुत है, अक्कू खिला लो ना, कुरकुरे वगैरह खिला लो, सब्जी बन रही है वैसे तो। देखिए जीजी बना रही है मटर पनीर की तैयारी कर रही है, और ये कर रही है चिकन के लिए तैयारी, चिकन जल्दी से लहसुन पीस के दो आधा किलो, और हाथ भी दुखने लगा और काम खत्म होने लगा। और फ्रेंड देखिए आज आज के हैं हमारी जिठानी जी दोनों, नहीं जीजी तुम बड़ी हो दीदी, बहुत कोई नहीं। और ये बेटा है हमारा,
और ये हमारी सबसे बड़ी जेठानी है घर में, और ये छोटी मतलब दीदी से छोटी हमसे तो बहुत बड़ी है। और अभी आके बस चाय पानी नाश्ता कराए इन्होंने, अब आई है बस इंजॉय करेंगे। और ये सारिका की ड्यूटी सुबह से लगा रखी है। सारिका कैसे फीलिंग आ रही है आपको सुबह से लगे हुए? बहुत गंदी नहीं? आज भाभी ने कर रखा पूरा हाल है। ऐसा है, निकल जाओ इस मुंह को लेके मुंह मत छोड़ जाना, भयानक लगती हो। इसका ढक्कन वो रहा ऊपर। जीजी बहुत कमेडी है, देख लो जीजी। जीजी खाई, जीजी खाना खाया तुमने? सही लगी सब्जी है? कमलेश दीदी का फोन, रानी फोन आया है जीजा का, चल जल्दी भट्टी पूजने चलो, भट्टी पूजने चलो जल्दी। मैं सूट डाल लूं। देखिए फ्रेंड, मैं अभी तक मैक्सी में ही घूम रही हूँ सुबह से, काम करते करते। आप कहोगे कि हलवाई लहसुन की जिद कर रहा है। अरे मत, पहले भट्टी पूजेगी जब तो हलवाई में बैठा को भट्टी पे। भट्टी पे नहीं, प्लेट में एक तरफ रख लो जल्दी। चल जल्दी करो, काम करो पहले, और प्लेट लेके चलो फटाफट। आओ पानी डलाना है, नानी जी कह रही है। आओ मैं ही पुजवा के आती हूँ फिर आंसर से। हम आए यहाँ पे, हमारे धर्मशाला शादी की होती है जिसमें प्रोग्राम होते हैं, और देखिए ये रहे फिर आंसर पूजेगी। ये बच्चे खेल रहे हैं हमारे, ये देखिए डेकोरेशन यहाँ की और चल रही है। हाँ वो सब बैठे हुए हैं बताओ मम्मी, इन्हें बताना जान से को बट्टी पूजना, ये पूजेंगे ना। जाओ जल्दी लेकर ले 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 ले, ये साफ गिलास है, भर ले वहाँ से, भर के ला दे। और यहाँ खाना बन रहा है। हमारे घर में पहले खाना बनने से पहले भट्टी पूजी जाती है, जिसकी भट्टी की पूजा करी जाती है। और वो लोग आ चुके हैं, अब बस जाके घर पे तैयार होंगे। चाचा की तबीयत खराब है, ऐसी बात करता रखो रखो। अभी तो हमारे घर का भी काम नहीं हुआ। चल मैं बताऊं इसको भट्टी कैसे पूछते हैं। रुक जाओ प्रांत से भी। प्रांत से रुक बेटा, मैं बताती हूं। मम्मी रुक जाना, पहले भट्टी पूजो, उसके बाद हम अपना काम चालू करवाएंगे। प्रांत से उठ के चप्पल उतारो, पहले पीछे करो, आओ जल्दी पूजो जल्दी। दो एक हाथ लगा, दोनों हाथ लगाओ भट्टी पूजने का, उसके बाद हमारा काम चालू होगा खाना बनाने का। हाँ और उसके बाद ही फिर अपना काम चालू हो जाएगा सारा। हाँ हाँ उधर को मोड़, हाँ घर सीधा ऐसा मिला अब उधर से कर बीच में से ऐसे कर दे इधर से काट। बोल दिया मैंने, मैं तो हल्दी कम लाई हूँ, हाथ से लगाऊंगी ना। बट्टी भी पूज गई, बट्टी पूज गई, पूज गई ना। चले तो बस बस मेन तो वही है साली पूरे मजे ले रही है। हाँ खाली मत छोड़ना, खाली नहीं छोड़ना पापा। चाचा बोल रहा तुम्हारे फोन से, और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पागल, अभी मजा आएगा ना भीड़। सही बात है, कजन तो ये बात क्या लेने आ रहा है लेकर। रानी जल्दी कर, बंद मत करिए, पानी तो लगाए रखा है। रानी चाची दिमाग खराब हो रहा है, सारा काम नहाए भी नहीं, काम भी फैला पड़ा है। भाई जल्दी जल्दी करवाओ सारे काम, जो दिखे वो ही करो। थक गई, सबके थापे लगा के आई हूँ, थापे लगा के आई हूँ सबके। टूट गई वो वहीं ऊपर। अच्छा 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 भिजवा रहे वहाँ पे। प्रांसी लकड़ियों के ऊपर सोफे की लकड़ी रखी है, जल्दी भिजवा दो जल्दी। नहीं इधर नाना के छत है ना, नाना की छत पर रखी है निकली हुई साइड में लेटरी। नहीं यहाँ नहीं, वहाँ चलो 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 चलो
हाँ उस वाले पे। अरे जाओ तो तुम, उधर वो खड़ी है पड़ी है चूल्हे के वाली। हाँ जाओ, वो फट्टा लगाना है, वो सोफे की लकड़ियां उधर कोई, इधर 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 पीछे। हाँ ये लम बड़ी बड़ी ले जाओ। हाँ कपड़े भी धोए थे मैंने सुबह, सारा काम रोक रोक के सारा करना पड़ रहा है, और सबके थापे लगा के आई हूँ। ये सब होता है हमारे घर में। कौन सा मंगाऊं? तेल का मैं कहाँ से मंगाऊं? नीचे तो नीचे को अभी तेल पड़ गया है कम, और हमारी मंजू दीदी लेके आई आ रही है नीचे से तेल का कनस्तर। दिखाती हूँ मैं आपको, देखो हमारे घर में ये बाहुबली है हमारी मंजू दीदी, और सारी का मसाला पीस रही है, और रानी रानी हल्ला मचा रही है। और पता है फ्रेंड, वो लोग आ चुके हैं, 10 मिनट में पहुंच गए। हमारा कुछ काम नहीं हुआ, नहाई भी नहीं है, नहाई भी नहीं है, काम भी नहीं हुआ। और हमें लग रहा था 2-3 बजे आएंगे, हमने 2-3 बजे की बोली थी, शायद उन्हें जल्दी हो गई, नहीं हो रही आने की, उन्हें जल्दी हो गई। हमारा और दिमाग खराब हो रहा है, काम का काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सही में, दिमाग और खराब हो रहा है। मंजू दीदी की और ड्यूटी लगा दी मटर पनीर में। मंजू दीदी नहा के तैयार तो हो जाती। ये सलाद रखा है हमारा, ये मटर है हमारी, चल रहा है काम हमारा जोरों शोरों से। और वहाँ भट्टी पे बन रहा है खाना, तो भट्टी के लिए लकड़ी जा रही है हमारी। हाँ दीदी दीदी जग में नीचे 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 हाँ डाल रही है, डाल रही है दीदी वो वाले में, दूसरे वाले में। आज बहुत दिमाग खराब हो गया, किसी कुछ भी तैयारी नहीं कर रही। अभी हमने क्या पहने, क्या नहीं पहनेंगे, और ना नहाए ना धोए, कुछ भी नहीं हुआ हमारा सही। बच्चे भी ना नहाए अभी तो, बच्चों को तो नहा दिया। थोड़ी लेट, पता नहीं क्या जल्दी है, मैंने हमारे सारा और काम फैला पड़ा है, दिमाग खराब हो रहा है। फ्रेंड मैं नहा चुकी हूँ, अभी तैयार नहीं हुई हूँ, और रानी और किसी का काम नहीं हुआ। और ये देखिए मेरी बड़ी बहन आई है, बड़ी बहन आई है, अभी आई है, मेरी बेटी है। और रानी देखो अभी कर रही है किचन साफ, आगे बोलो अब तैयार। तो कितना मसाला पीसो, ये पीसो वो पीसो, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ तो भाई अब क्या करें, बैठेंगे थोड़ी देर ऐसे। तुम गीत वीत गाना बैठवा के मम्मी को बोल दो, ढोलक वोलक लेके बैठेंगे। पता नहीं कहाँ गई है मम्मी, कहाँ गई, तू कह रही मैं अभी आ रही हूँ। फ्रेंड मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, और इसके आगे का देखना आप, उसमें हमारे रोका का डांस का सब चीज का ब्लॉग आएगा। और जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। कोशिश करिए हमने पूरे से पूरा ब्लॉग बनाने की, और प्लीज फ्रेंड थोड़ी हमारी फीलिंग समझना, वो ये ब्लॉग ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अलग रखेंगे और एक और बनाएंगे। अभी तैयार हो रही हूँ मैं, बाय बाय।